दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैकिंग एसडीजी 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 की। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे कि आखिर ये क्या कुछ है। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग UNSD, विश्व बैंक और विश्व बैंक स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक साथ मिलकर ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में उन विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 7 को प्राप्त करने की दिशा में बाधक हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या कुछ है। देखिए, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन प्रमुख बिंदुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट बताती है कि SDG 7 को हासिल करने के प्रयासों में कुछ हद तक प्रगति दर्ज की गई है, कुछ हद तक प्रोग्रेस हुआ है। एग्जाम्पल अगर ले लें तो देखिए, ऊर्जा सेक्टर में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर में बढ़ोतरी, लेकिन टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तय समय सीमा यानी वर्ष 2023 तक उन्हें हासिल करने के लिए ये जो प्रोग्रेस हुआ है वो अपर्याप्त है, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विशेषज्ञों ने SDG 7 लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में संरचनात्मक रूप से सुधार लाने व निवेश को बढ़ावा देने के नए अवसर सुनिश्चित करने पर बल दिया है। रिपोर्ट बताती है कि बढ़ते कर्ज और आसमान छूती ऊर्जा कीमतों की वजह से स्वच्छ खाना पकाने के लिए ऊर्जा और बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच बाधित हो रही है। SDG 7 की प्राप्ति से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन्हें लागू किए जाने से लोगों की वायु प्रदूषण समेत अन्य पर्यावरण व सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जा सकती है और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व सेवाओं तक पहुंच का विस्तार सुनिश्चित किया जा सकता है। यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और अधिक गहरा गया है, लेकिन कुछ देशों की सरकारों द्वारा किए जा रहे निवेश के परिणाम स्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल व ऊर्जा क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो साल 2030 तक 1,90,00,000,000 लोगों के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नहीं होगी और 66,00,00,000 लोगों की बिजली तक पहुँच नहीं होगी। इन कमियों के कारण सबसे संवेदनशील परिस्थितियों का सामना करने वाली आबादी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होगा और जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ने की भी आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रदूषित ईंधन और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों से हर साल 32,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। क्या है सतत विकास लक्ष्य 7, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये। देखिए, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 178 से अधिक देशों ने एजेंडा 21 मानव जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास हेतु वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को अपनाया। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG, जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है, को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह यानी कि प्लैनेट की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया, जिससे सभी लोग वर्ष 2030 तक शांति एवं समृद्धि प्राप्त कर सके। सतत विकास लक्ष्य 7 का मुख्य लक्ष्य क्या है, देख लेते हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 7 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। आगे बढ़ते हैं, इस एजेंडे के केंद्र में 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो सभी देशों द्वारा उनके विकास की स्थिति की परवाह किए बिना कार्रवाई के लिए दबाव निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत बिजली और स्वच्छ खाना पकाने तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जाना अहम होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।